तो ये बताओ भाई कि रिसेंटली तुमने ऐसा कौन सा एनिमे देखा है जिसको देखकर तुम्हारा दिमाग उड़ गया हो, और सबसे खास बात वो एनिमे कोई 3-4 सीजन में ना बटा हुआ हो बल्कि एक स्टैंड अलोन एनिमे हो जिसके पहले सीजन के अंदर ही पूरी तबाही मच गई है। तो रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर ये वाला एनिमे देखा। अब आई एम श्योर कि ये नाम पढ़ने के बाद मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि क्या स्टोरी है या फिर ये इसका बैकग्राउंड क्या है, बट उन लोगों के लिए जो कि ज्यादातर मूवीज नहीं देखते या फिर किसी मास्टर रोशी की तरह आइलैंड पे रहते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये एनिमे टर्मिनेटर नाम की एक फ्रेंचाइज के ऊपर बेस्ड है। और अगर तुमने टर्मिनेटर का नाम नहीं सुना तो फिर यार मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, आज रात तुम्हारे बेड के नीचे अर्नोल्ड आएगा। क्योंकि क्या कर रहे हो यार, टर्मिनेटर सीरीज इतनी ज्यादा बढ़िया लेवल की मूवीज में आती है कि अगर तुम अच्छे कंटेंट को देखने के शौकीन हो तो तुमने ये मूवी जरूर देखनी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मान लो तुमने नहीं देखी है तो एक नटशेल में जल्दी से बता दूं कि इसकी कहानी वही है भाई कि फ्यूचर के अंदर मशीन और ह्यूमैनिटी के बीच में जंग चल रही है, और उसी जंग के बीच में टाइम ट्रेवल, पास्ट में जाके फ्यूचर को चेंज करने की लड़ाई, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट इस मूवी के अंदर होता है, जिसकी स्टार्ट तो ऑब्वियसली आपके ये जेम्स कैमरॉन ने बहुत पहले करी थी, लेकिन फिर आगे आगे जितने साल बीतते गए और इसके जितने ज्यादा पार्ट्स आते गए ना, ये कह सकते हैं कि टर्मिनेटर फ्रेंचाइज का जो लेवल है वो गिरता ही चला गया, और इसके पूरे फैंडम के मेजॉरिटी ऑफ द फैंस इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड ही बैठे थे, जिनमें से मैं भी एक हूं यार, क्योंकि मैंने टर्मिनेटर की ऑलमोस्ट जितनी भी इंटरनेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी पड़ी हुई है, और एक पॉइंट के बाद मुझे भी लगने लग गया था कि यार ये इतनी कमाल की सीरीज अब डेड हो चुकी है। लेकिन एज अ फैन जब मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर टर्मिनेटर जीरो को देखा ना, तो ऐसे समझ लो कि ये उस पूरे इस फ्रेंचाइज के फेलियर के ग्राउंड में एक कूल विंड का झोंका था, क्योंकि शुरुआती एपिसोड से लेकर फाइनल एपिसोड तक स्टोरी एकदम बहुत ही इंगेजिंग तरीके से आगे बढ़ती है, पेसिंग इसकी काफी ज्यादा अमेजिंग है, और दूसरी चीज ये कि इस वाली स्टोरी के अंदर ना इन्होंने वो बेसिक प्लॉट नहीं रखा कि फ्यूचर से एक मशीन आई है और वो आके यहाँ पे बस किसी मेन कैरेक्टर को मारने के पीछे बनी हुई है, बट इस वाले एनिमे के अंदर इन्होंने थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अप्रोच को चुना है, जहां पे हो सकता है कि कुछ कुछ पार्ट्स के ऊपर तुम्हें इसके एपिसोड्स को थोड़ा रिवाइंड करके देखना पड़े, बट मैं यहाँ पे ये जरूर बता देता हूँ कि इस पूरी सीरीज के सारे एपिसोड्स में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि जहां पे तुम्हें ये लगे कि हाँ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआती एपिसोड से लेकर एंड तक इसकी पेसिंग काफी ज्यादा सिस्टमैटिकली आगे बढ़ती है, और स्टोरी के अंदर ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वाला प्लॉट होने के बावजूद भी इसके अंदर जो एनिमेशन और उसके साथ ही म्यूजिक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इतना ज्यादा इन्होंने गजब का बनाया है कि पहले एपिसोड से ही वो तुमको जकड़ के अंदर मिलता है। विजुअल्स की बात करें तो एनिमेशन स्टाइल काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, बट है वो CGI, मतलब कि जैसे कि तुमने कई और दूसरे एनिमेशन में देखा होगा कि 2D और 3D एनिमेशन का एक हाइब्रिड मिक्सचर होता है ना, उसी एनिमेशन स्टाइल के अंदर ये बना हुआ है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी ये मत समझ लेना कि बर्जर्क के गट्स वाली है, क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ यार कि इस एनिमे के अंदर 2D और 3D का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सीमलेस है, और किसी भी सीन के अंदर तुम्हें ये पता ही नहीं चलता या फिर तुम्हें अजीब सा नहीं लगता कि आर्ट स्टाइल कहीं से ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करी हुई है, और जब तुम इसके एनिमेशन को देखोगे तो तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग लगेगा। लेकिन पर्सनली मेरे ओपिनियन में स्टोरी और एनिमेशन के बाद या फिर उनसे भी पहले जो चीज मुझे इसकी सबसे ज्यादा इंगेजिंग लगी वो था इसका म्यूजिक। आई मीन यार एक एक सीन के अंदर जो म्यूजिक की कंपोजिशन इसके अंदर बनी हुई है ना वो इतनी ज्यादा कमाल की है और इतनी ज्यादा ड्रीमी है कि तुम्हें लगता है कि इसी सीन के अंदर तुम घुस चुके हो। और ये पता है काफी ना यूनिक सी चीज है कि नेटफ्लिक्स को एनिमे बनाए और वो इतना ज्यादा बढ़िया बन जाए, खास करके टर्मिनेटर जैसी सीरीज जिसका रिकॉर्ड है कि सारे पार्ट्स उसके कंसिस्टेंसी में बेकार बनते आए हैं। लेकिन थैंकफुली टर्मिनेटर जीरो एक बहुत ही ज्यादा फ्रेश ब्रीज की तरह से है जो कि सारे टर्मिनेटर फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया के साथ एक न्यू एंगल ऑफ द स्टोरी प्रोवाइड करता है। अब है तो इसका ये पहला सीजन और अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि सीजन 2 इसका कब आएगा या फिर उसके ऊपर कोई काम चल भी रहा या नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स यार काफी नोटोरियस है सीजन्स को बीच में कैंसिल करने के लिए। बट खैर जब भी इसका सीजन 2 अनाउंस होगा वो तो तब होगा ही, लेकिन तब तक के लिए अगर तुम टर्मिनेटर फ्रेंचाइज के फैन हो या फिर तुम इस टाइप की स्टोरीज में इंटरेस्टेड हो जिसमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर साइबर पंक टाइप की वाइब हो और उसके अंदर एनिमेशन की क्वालिटी थोड़ी सी यूनिक और काफी ज्यादा अमेजिंग हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल उसको देखने के लिए तुम्हें कोई 4-5 सीजन की कमिटमेंट ना करनी पड़े, एक ही सीजन के अंदर तुम उसको एंजॉय कर पाओ या फिर एक पूरे दिन में देख पाओ, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर टर्मिनेटर जीरो को जरूर चेकआउट करना यार, क्योंकि एज अ मेरी रिकमेंडेशन मुझे ये लगता है कि ये एनिमे तुम्हें काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। बाकी इसी के साथ ही वीडियो अगर तुमको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना दोस्त, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हिडन कैलिबर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल दी एंड।